इस वर्किंग कमेटी के पीसीसी प्रेसिडेंट साहब, सीएलपी लीडर, चीफ मिनिस्टर्स, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मैं जानता हूं कि आप सुबह से यहां बैठे हो, दिल्ली में फॉग के कारण हमारी फ्लाइट, खारगे जी की फ्लाइट डिले हो गई, इसलिए हम समय पर नहीं आ पाए, आप सबको कष्ट हुआ, इसके लिए मैं आप सबसे शुरुआत में ही माफी मांगना चाहता हूं। उनतीस जून को मैं मणिपुर आया था और उस विजिट में जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, मैंने कभी पहले नहीं देखा था, नहीं सुना था। 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कलैप्स कर गया था, जिसको हम मणिपुर कहते थे। 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बच गया कोने में, नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ, भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे, और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। क्षण के बाद शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है। आपका जो दुख है, आपका दर्द है, वो उनका दुख, उनका दर्द नहीं है। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, 4000 किलोमीटर चले, और भारत को जोड़ने की हमने बात की, नफरत मिटाने की बात की, एक धर्म को, एक जात को दूसरी जात से मिलाने की बात की, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लाखों लोगों से बातचीत की, उनका दर्द सुना। मुश्किल था मगर बहुत अच्छा लगा। लोगों ने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की है तो फिर इससे वेस्ट भी यात्रा होनी चाहिए, और मैं चाहता था कि जैसे हमने पैदल यात्रा की
कन्याकुमारी से कश्मीर, वैसे ही हम ईस्ट से वेस्ट पैदल यात्रा करें। मगर चुनाव का समय है और उसमें हमें थोड़ा ज्यादा समय लगता, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हमने निर्णय लिया कि ये बस यात्रा होगी, हाइब्रिड यात्रा होगी, बस यात्रा होगी, पैदल यात्रा होगी। सवाल उठा कि ये यात्रा शुरू कहां से होनी चाहिए। कोई लोग कह रहे थे कि वेस्ट में शुरू होनी चाहिए, कोई कह रहे थे ईस्ट में शुरू होनी चाहिए, और मैंने साफ कहा कि अगली भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ मणिपुर से ही शुरू हो सकती है और कहीं से नहीं शुरू हो सकती। मणिपुर बीजेपी की जो राजनीति है, बीजेपी की नफरत, आरएसएस की नफरत, उनका जो दृष्टिकोण है, उस विचारधारा का मणिपुर एक चिन्ह जो आपने यहां खोया, जो मेरे भाई ने बस के ऊपर कहा, what is most precious to us, you have lost it because of the ideology of the BJP, because of the politics of the BJP, because of the hatred that the BJP and the RSS spread in their politics. I was listening to my brother when he was saying we have lost what we value, and I was thinking to myself, yes, you have lost what you have valued, but we will find what you valued once again and bring it back to you. We understand, all of us on the stage understand the pain that the people of Manipur have been through. We understand the hurt, the loss, the sadness that you have been through. And we promise you, we commit to you that we will bring back what you valued. We will bring back harmony, the peace, the affection that this state has always been known for. Question arises, why Nyay Yatra? Because we are going through a period of great injustice in India. Social, economic and political injustice. Injustice against the people of Manipur, the traditions of Manipur, but also injustice across the nation. Economically, monopolies are being built. Few people are getting access to all the wealth of the country. One or two businesses have their fingers in everything, and the large majority of businesses, small and medium businesses, are being destroyed. Huge levels of unemployment, massive price rise is what the whole of India is facing. On the social side, large mass of India's people, the lower castes, Dalits, tribals,
way in the governance system of the country. I have given example upon example of how the large mass of our people are excluded from the political system, from the governance system. So these are the issues that the Bharat Jodo Nyay Yatra is going to raise. But this is less about us and more about you. Bharat Jodo Yatra mein hum subah shuru karte the, 6 baje shuru karte the aur 7 baje raat tak hum chalte the. Hamara bhashan 20-25 minute ka hota tha. शाम को हमारा एक भाषण होता था, मगर 7-8 घंटे हम आपकी बात सुनते थे, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, महिलाओं की, युवाओं की. और यही इस यात्रा का लक्ष्य है. हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, हम आपको अपने मन की बात नहीं बताना चाहते हैं, मन की बात सुनना चाहते हैं, आपका दर्द समझना चाहते हैं और आपके साथ हिंदुस्तान का अगला जो विजन होगा, हिंसा का नहीं, नफरत का नहीं, मोनोपोलीज का नहीं, मगर हार्मोनियस, इक्विटेबल भाईचारे का विजन. हम आपके साथ मिलकर, आपकी आवाज सुनकर वो हम हिंदुस्तान के सामने रखने जा रहे हैं. एक बार फिर आप आए, दूर दूर से आए, शाम का समय है, आपको यहां बहुत समय रुकना पड़ा, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं. और आने वाले दिनों में के साथ मिलने का मौका मिलेगा, बातचीत करने का मौका मिलेगा, गले लगने का मौका मिलेगा. भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मैं काफी खुशी से आपसे